अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। और ये जो वीडियो है आप लोगों के उर्दू फॉर बिगनर यानी कि UFB का पार्ट 5 है। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, मैं उनको बता दूं कि आज से 7-8 महीना पहले मैं ज़ीरो से एकदम उर्दू सिखाना शुरू की थी, एकदम ज़ीरो से, जो मतलब सभी लोगों के लिए उर्दू था, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना बिलोंग करते हो, सभी धर्म के लोगों को मैं सिखाना शुरू की थी एकदम अलिफ बे पेते से, और जिसका मैं नाम रखी थी उर्दू फॉर बिगनर UFB। और पार्ट 1 पार्ट 2 कर मैं वीडियो अपलोड की और सिखा रही थी, और पार्ट 4 तक मैं वीडियो अपलोड की, ठीक है, और उसके बाद से स्टॉप कर दी, नहीं नेक्स्ट वीडियो अपलोड की, क्योंकि 10th और 12th क्लास वाले स्टूडेंट मेरे पास बार बार कमेंट कर रहे थे, तो मैं 10th और 12th को पढ़ाना शुरू कर दी, और उसी 10th और 12th क्लास वाले स्टूडेंट को पढ़ाने में बिजी हो गई, पार्ट 4 तक ही उसको रहने दी। तो हुआ ये कि इन्हीं कुछ महीनों में जो मेरा उर्दू फॉर बिगनर वाला वीडियो है उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला कि आज वो 1 मिलियन हिट कर रहा है, 1 मिलियन प्लस व्यूज़ जा रहा है, सिर्फ आप लोग के सपोर्ट की वजह से। और मेरे पास इतना ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि पार्ट 4 तक ही क्यों बनाइए, पार्ट 5 इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड कीजिए, नेक्स्ट वीडियो बनाइए जल्दी। तो इसीलिए आप लोग के रिक्वेस्ट के आधार पर ये मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड की हूँ, नेक्स्ट पार्ट का, जो कि आप लोग के उर्दू फॉर बिगनर यानी कि UFB का पार्ट 5 है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आप लोग मेरे उन सभी वीडियोस को सपोर्ट किए, बिल्कुल उसी तरह आप लोग इस वीडियो को भी सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लेने के बाद एक ज़रूरी बात, आप घंटी दिखाई देगा आप लोगों को, तो वो घंटी को दबा लीजिएगा। जब आप लोग घंटी को दबाएंगे ना तो ऑल का ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। उससे होगा ये कि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पार्ट 4 तक के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बता दी थी कि अलिफ से लेकर बड़ी शीन तक कैसे लिखा जाता है। टोटल मैं आप लोगों को 19 लेटर लिखकर बताई थी, अलिफ से लेकर बड़ी शीन तक कैसे लिखा जाता है। अब ये पार्ट 5 है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्वाद से लेकर बड़ी ये तक लिखना बताऊंगी, और ये भी 19 लेटर ही है, ठीक है, स्वाद से लेकर बड़ी ये तक बहुत ही सिंपल तरीके से लिखना बताऊंगी, आप लोग आसानी से लिख पाएंगे। और जो स्टूडेंट पहले से लिख लेते हैं उर्दू को, हो सकता है कि वो ये वीडियो को देखें पूरा अंत तक, तो उनके राइटिंग में कुछ सुधार आ जाए, उनकी पहले से हैंड राइटिंग और भी खूबसूरत हो जाए। और वो लोग जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं उर्दू लिखना, वो एकदम उर्दू में जीरे हों, उनको उर्दू लिखना आता ही नहीं है, तो वो पार्ट 4 तो ज़रूर देखे होंगे, जहाँ पर मैं आप लोग को अलिफ से लेकर बड़ी शीन तक लिखना बताई थी। और उसके बाद से इस वीडियो को आप लोग देखिए, स्वाद से लेकर बड़ी ये तक मैं आप लोग को लिखना बताऊंगी एकदम सिंपल तरीका, जिस तरह मैं आप लोग को कलम घुमा घुमा कर लिख कर बताऊंगी ना, बिल्कुल उसी तरह आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपने कॉपी में बिल्कुल उसी तरह लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, आप लोग को 100% लिखना आ जाएगा। देखिए, आप लोग के अंदर से चाह होनी चाहिए कि हाँ मैं लिख दूँ, एक तरह से क्या बोला जाता है, जुनून होना चाहिए सीखने की कुछ, तो क्या चीज़ है जो आप नहीं कर सकते हैं, असंभव काम को भी आप लोग संभव कर सकते हैं, हर एक चीज़ पॉसिबल है, बस आप लोगों के अंदर वैसा जुनून होना चाहिए, करने की मतलब एक तरह से चाह होनी चाहिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए, मैं आप लोगों को स्वाद से लेकर बड़ी ये तक लिखना बता रही हूँ, हर एक एक हर्फ यानी कि हर एक एक लेटर को ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरह लिख रही हूँ, और आप लोग अपनी कॉपी पर लिखकर ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्वाद बनाना सीखेंगे, उसके लिए आप लोगों को इस तरह कलम को रखना है, और उसके बाद इस तरह आप लोगों को गोल बनाना है, इस तरह बना लिए, और उसके बाद से यहाँ पर इस तरह आधा चांद की तरह बना देना है। तो ये हो गया आप लोगों का स्वाद, जिसका प्रोनंसिएशन क्या होता है, सौ, ये वाला सौ, ठीक। अब अगला है ज्वाद, तो ज्वाद भी बिल्कुल आप लोग स्वाद की तरह ही बनाएंगे, देखिए इस तरह, उसी तरह गोल, और फिर आधा इस तरह चांद की तरह बना देना है, हो गया। अब ज्वाद में सिर्फ ऊपर बिंदु इस तरह दे देना है, नुक्ता, तो ये हो गया आप लोगों का ज्वाद, जिसका प्रोनंसिएशन होता है ज, इस तरह, ये वाला ज, नीचे एक बिंदु रहेगा, ठीक है। अब आगे है अगला हर्फ तो को भी बिल्कुल देखिए किस तरह बनाया जाता है, इस तरह सीधा 1 खींच देना है, और उसके बाद से इस तरह, मतलब ये बिल्कुल बी की तरह बनता है, ABCD आप लोग इंग्लिश में पढ़े हैं ना, इस तरह बी बनाते हैं ना, तो बी में आप इस तरह गोल कर देते हैं, लेकिन तो में थोड़ा सा का डिफरेंस है, यहाँ पर जो बिल्कुल इस तरह गोल बनाते हैं बी, लेकिन तो इसको थोड़ा इस तरह लंबा कर दिया जाता है इस तरह, तो ये हो गया आप लोगों का तो, जिसका प्रोनंसिएशन होता है त, ये वाला त, ठीक है। अब अगला हर्फ है जो बिल्कुल तो की तरह बनाइए, इस तरह, ठीक है, और उसके बाद बस ऊपर बिंदु दे देना है, नुक्ता, तो ये हो गया आप लोगों का जो, जिसका प्रोनंसिएशन होता है ज, इसके नीचे भी एक बिंदु रहेगा ज के नीचे,
तो ये हो गया ज। अब आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये जो और ये ज्वा दोनों का मतलब तो ज और ज ही होता है, लेकिन इसका मतलब यूज़ कहाँ होता है दोनों का। तो इसका मैं यूज़ बताऊंगी, अभी मैं आप लोगों को लिखना बता रही हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका यूज़ बता दूंगी कि कहाँ कहाँ ज्वाद का यूज़ किया जाता है और कहाँ जो का यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल अभी आप लोग अगला हर्फ देखिए कैसे लिखा जाता है। अब अगला हर्फ है एन। तो देखिए एन को कैसे लिखना है, ऐसे एक छोटा सा आधा गोल कर देना है, ठीक है, और उसके बाद से एक बड़ा सा आधा गोल। तो ये हो गया आप लोगों का एन, जिसका प्रोनंसिएशन होता है अ, ठीक है। अब इसके बाद है गैन। गैन भी बिल्कुल आप लोगों को एन ही की तरह बनाना है, ऐसे आधा फिर एक बड़ा सा आधा गोल, और बस इसमें ऊपर आप लोगों को एक बिंदु यानी कि नुक्ता दे देना है। तो ये हो गया आप लोगों का गैन, जिसका प्रोनंसिएशन होता है ग, ठीक है, इसमें भी एक ग के नीचे बिंदु रहेगा, ठीक। अब अगला हर्फ है फे। तो अब देखिए फे कैसे बनाना है। सबसे पहले आप लोग को इस तरह गोल कर लेना है, ठीक है, इस तरह गोल कर लेने के बाद यहीं से आप लोग ऐसे सीधा खींचकर ऐसे कर देना है और ऊपर एक बिंदु दे देना है यानी कि नुक्ता। तो ये हो गया आप लोगों का फे, जिसका प्रोनंसिएशन होता है फ, फ के नीचे एक छोटा सा बिंदु। तो ये हो गया आप लोगों का फ। अब अगला हर्फ है काफ, यानी कि बड़ी काफ। देखिए बड़ी काफ बनाया जाता है, सबसे पहले इसे गोल कर लेना है और गोल कर लेने के बाद यहीं से आप लोगों को इस तरह आधा चांद की तरह बना देना है और यहाँ पर ऊपर दो ठो बिंदु यानी कि दो ठो नुक्ता दे देना है। तो ये हो गया आप लोगों का बड़ी काफ, जिसका प्रोनंसिएशन होता है क, ये वाला क, क के नीचे एक छोटा सा बिंदु, इसको पढ़ा जाता है क, ठीक है। अब एक होता है छोटी काफ, जिसको इस तरह बनाया जाता है। सबसे पहले आप इस तरह करेंगे और फिर यहीं से सीधा खींचकर ऐसे और एक ऐसे खींच देंगे। तो ये हो गया आप लोगों का छोटी काफ, जिसका प्रोनंसिएशन होता है सिर्फ क। देखिए इन दोनों में फ़र्क है, इस क के नीचे बिंदु है तो ये क पढ़ाएगा और ये क के नीचे बिंदु नहीं है तो ये सिर्फ क पढ़ाएगा, ये काफ और ये काफ, ठीक है। अब आगे है गाफ। तो गाफ बनाने के लिए सबसे पहले आप बिल्कुल इस काफी की तरह बनाएंगे इसको, इस तरह करके ऐसे बना देंगे और एक, तो ये हो गया काफ, ठीक है, और काफ के ऊपर एक और इस तरह दे देना है। तो ये हो गया आप लोगों का गाफ, जिसका प्रोनंसिएशन होता है ग, ये वाला ग, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का गाफ। अब अगला लेटर है लाम। लाम को बनाना बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले ऐसे सीधा खींच देना है और सीधा खींचने के बाद यहीं से एक छोटा आधा गोल बना देना है। तो ये हो गया आप लोगों का लाम, जिसका प्रोनंसिएशन होता है ल, ठीक है। अगला है हर्फ मीम। तो मीम ये भी बहुत आसान है, बस एक छोटा सा ऐसे करना है, बिंदु टाइप का दे देना है और यहीं से थोड़ा सा ऐसे मोड़कर और इस तरह सीधा आप लोग को खींच देना है। तो ये हो गया मीम, जिसका प्रोनंसिएशन क्या होता है म, ठीक। अब अगला है नून। नून को भी बनाना बहुत आसान है। देखिए आधा गोल ऐसे बना देना है और बीच में बिंदु। तो ये हो गया आप लोगों का नून, जिसका प्रोनंसिएशन होता है न, ठीक। अगला है वाव। तो वाव को भी बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले आप लोगों को ऐसे गोल करना है, गोल कर दिए और यहीं से छोटा सा ऐसे खींच देना है। तो ये हो गया आप लोगों का वाव, ये बिल्कुल नौ की तरह, जिससे आप लोग नाइन बनाते हैं ना ऐसे करके। तो बस इसमें फ़र्क ये है कि इसमें गोल कर कर और इस तरह थोड़ा सा नवा देना पड़ता है, यहीं से इस तरह ऐसे कर देना पड़ता है। तो ये हो गया आप लोगों का वाव, जिसका प्रोनंसिएशन होता है व। अब अगला लेटर है आप लोगों का हे, यानी कि छोटी है। छोटी है बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आप ऐसे गोल बनाते हैं ना तो बिल्कुल इसी तरह हे भी बनता है, ऐसे करके ऐसे, यही हो गया आप लोगों का हे, छोटी है, और इसका प्रोनंसिएशन होता है ह, ठीक। और एक होता है बड़ी है, ठीक है, बड़ी है, उसमें लास्ट में ये लग जाता है। तो देखिए वो कैसे बनता है, ऐसे करना है आप लोगों को और एक इस तरह और उसके बाद से एक इस तरह, ठीक है। जैसे आप लोग दिल नहीं बनाते हैं ऐसे, दिल का ऐसे बनाते हैं दिल, तो बिल्कुल उसी तरह इसको भी आप लोगों को बनाना है और बीच में ऐसे कर देना है। तो ये हो गया आप लोगों का बड़ी है, इसका भी प्रोनंसिएशन ह ही होता है। अब अगला लेटर है हमजा। हमजा बनाना भी बहुत सिंपल है। देखिए ऐसे करना है, आधा चांद आप लोगों को ऐसे बना देना है और ऐसे बना लेने के बाद छोटा सा ऐसे डंडी खींच देना है। तो ये हो गया आप लोगों का हमजा, जिसका प्रोनंसिएशन होता है अ। भले ही हम इसको हमजा पढ़ते हैं लेकिन इसका प्रोनंसिएशन अ होता है। अब कब कहाँ यूज़ किया जाता है कौन सा लेटर, मैं आप लोगों को बताऊंगी, अभी आप लोग लिखना सीख रहे हैं। अगला लेटर है छोटी ये। तो छोटी ये कैसे लिखा जाता है, देखिए ऐसे करना है आपको, ऐसे
ठीक है, और यहीं से आप ऐसे कर कर ऐसे कर देंगे, तो ये मतलब यहाँ पर आधा गोल की तरह बनाकर यहीं से एक बहुत बड़ा गोल बना देना है। तो ये हो गया आप लोगों का छोटी ये, और इसका प्रोनंसिएशन होता है य। ठीक, अब अगला और लास्ट लेटर है बड़ी ये। देखिए इसको भी लिखना बहुत आसान है, आप ऐसे करेंगे और उसके बाद से ऐसे करके ऐसे, तो ये हो गया आप लोगों का बड़ी ये, और इसका भी प्रोनंसिएशन यही होता है। ठीक, तो आज के इस वीडियो में आप लोग स्वाद से लेकर बड़ी ये तक यानी कि टोटल 19 लेटर लिखना सीख गए। अब आप लोगों को करना ये है कि टोटल 19 लेटर स्वाद से लेकर बड़ी ये तक लिखना बताई हूँ ना, उसको आप लोगों को खुद से कॉपी पर लिखना है। और जब आप लोग लिख लेंगे तो अब आप एकदम शुरू से लिखिएगा, अलिफ से लेकर बड़ी ये तक टोटल 38 लेटर है ना। इसके पहले वाले वीडियो में टोटल 19 बताई थी और इस वीडियो में टोटल 19 कितना होता है 38, तो टोटल 38 लेटर होता है उर्दू का अलिफ से लेकर बड़ी ये तक। तो उसको आप लोग बिना देखे अंदाजी, आप बोल सकते हैं अंदाजी लिख कर क्या कीजिएगा, अपने कॉपी पर प्रैक्टिस कीजिएगा, और इस तरह करेंगे तो आप लोगों को अपने हर एक एक हर्फ आप लोगों के माइंड में फिट हो जाएगी, सेट हो जाएगी कि हाँ अलिफ ऐसे लिखाता है, बे ऐसे लिखाता है, पे ऐसे लिखाता है, स्वाद ऐसे लिखाता है, जीम ऐसे लिखाता है। तो आप लोगों का हर एक एक जो हर्फ है, लेटर है, वो आप लोगों के माइंड में फिट हो जाएगा जब आप लोग बिना देखे लिखने की कोशिश करेंगे तो। ठीक, और इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आप लोगों को क्या करना है। फिलहाल मैं आप लोगों को अभी जो होमवर्क दी हूँ अलिफ से लेकर बड़ी ये तक लिखने का, वो ज़रूर कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा अलिफ से लेकर बड़ी ये तक लिखने का, और हर एक एक हर्फ, हर एक एक लेटर को अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। ठीक है, अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि हाँ ये जिम ऐसे लिखाता है, पे ऐसे लिखाता है, तो ऐसे लिखाता है हर एक लेटर को। ठीक, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।